अगली बार हमारी पार्टी नया कॉम्बिनेशन में 400 सीट पर निकालने का काम करेगा। जो विकास पर वैशाली को जाना चाहिए, जिस पर खर पर वैशाली को जाना चाहिए, जहां तक नहीं पहुंचा है मूलभूत सुविधा जो है वो प्राथमिकता होगी। 17 महीना में जो नौकरियां उन्होंने दी है 5 लाख का, इसका जवाब देना पहले। ये सरकार जो बैठी है, NDA की सरकार जो 2005 में बैठी थी, कौन लोग लाया था? वैशाली में हम लोग उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। नॉर्थ बिहार में और पूरे बिहार में जो 400 सीट है, महागठबंधन अगली बार हमारी पार्टी नया कॉम्बिनेशन में 400 सीट पर निकालने का काम करेगा। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार होगा, वैशाली 200 दो बार से सांसद रहे हैं, उनको कैसे आप सीटिंग सांसद आपके सामने है, कितना चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। और 400 और 40 का पार नहीं होगा। हम ही लोग जो थे उनके वोटर, फाइटर वोटर, कोर वोटर, जो हम लोग उनको 40 पार लगाते थे, अब वो सब 40 वहाँ गठबंधन का पार लगेगा। आप लोग आश्वस्त रहिए, 4 तारीख को देखिएगा, इमेजिन रिजल्ट आप लोग देंगे। ये RJD जाति यादव के समर्थित पार्टी जैसा के लोग कहते हैं, भूमिहार लोग जो है कैसे इस बार वोट करेंगे? और क्या था, BJP कौन पार्टी है? BJP कौन पार्टी? आप जाति में बांटने का कोशिश मत करिए RJD को। महागठबंधन में मेरे जैसा लोग आ गया है और आपके सामने खड़ा है, और जाति पाति भेदभाव के परिभाषा को बंद करिए। अब A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन है। और हम उस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपको कह रहे हैं कि 400 सीट अगली बार महागठबंधन निकालने का काम। जीत का एजेंडा क्या होगा? आगे जीत का एजेंडा क्या होगा? जीत का एजेंडा के बाद आप क्या मुख्य लक्ष्य है? जीतने के बाद वैशाली का मुख्य जो विकास है, जो विकास पर वैशाली को जाना चाहिए, जिस पर खर पर वैशाली को जाना चाहिए, जहां तक नहीं पहुंचा है मूलभूत सुविधा जो है वो प्राथमिकता होगी हमारी। बताइए, हमारी अड्डा जो है हर बार चर्चा का विषय बना रहा था। अभी तो आपको प्रधानमंत्री से ना पूछना चाहिए, आप ही लोगों के माध्यम से हमको पता चला था कि पिछले बार प्रधानमंत्री आए थे तो कह के गए थे कि हवाई अड्डा चलेगा। तो ये तो हम आप लोगों से पूछेंगे कि उस हवाई अड्डा का क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी के घोषणा का क्या हुआ। बीजेपी लगातार हमला करती है कि जंगल राज, इस पे क्या कहेंगे? अब तो जंगल राज का परिभाषा बदल दीजिए। अब तो अभी जंगल राज चल रहा है, इस सरकार में जंगल राज चल रहा है, आपको देखने को मौका मिलेगा। मंगल राज हम लोग लाए, हमारे नेता 17 महीना में जो नौकरियां उन्होंने दी है 5 लाख का, इसका जवाब देना पहले। 17 साल में क्या किए सो न दे पहले। प्रधानमंत्री जी का घोषणा था 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गया? कहाँ गया महंगाई? कहाँ गया बेरोजगारी? इसलिए ही तो हम आप लोग के माध्यम से हम उनसे पूछना चाहेंगे। BJP कहती है कि माफियाओं गुंडाओं को जो है लालू यादव। अब BJP को कौन लाया था, याद करिए, आप लोग तो अनुभवी लोग हैं। 2005 में कौन लाया था इस सरकार को? 2005 में कौन लोग लाए थे इस सरकार को? ये सरकार जो बैठी है, NDA की सरकार जो 2005 में बैठी थी, कौन लोग लाया था? वहाँ है तो वॉशिंग मशीन हो गया, यहाँ है तो हम लोग माफिया हो गए। 20 साल 21 साल वहाँ रहे, याद करिए आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। सब लोगों की बीच की बात है, प्रदेश की बात है। उस समय कौन लाया था उनको? दलित समाज पर कोर्ट हम लोग नहीं किया था। मैं हम लोगों से पूछा गया कि आप भूमिहार समाज के, जैसे आप बोले कि BJP का कोर वोटर, तो हम यही जवाब दिए थे कि हम भूमिहार हैं, हमको ये कहने में कोई परहेज नहीं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।